जन और हम लोग यहाँ पर आज नंदिनी ढेगे जी का जन्मदिन भी है, समाज सेवा है, बहुत सालों से कर रही है। इसके अलावा दो फाउंडेशन है, झलम बुलाओ माँ बापला, बहुत अच्छी बात है कि माता पिता के प्रति समर्पित रहना चाहिए। साथ में ही एक माँ नंदिनी फाउंडेशन है, तो निश्चित रूप से माँ का आनंद साथ में होता ही है। भक्ति शौर्य क्या है, सनातन धर्म की हम लोग बहुत सारी बातचीत अभी करते हैं, और वीडियो भी आप लोग देखिएगा कि सनातन धर्म पूरी तरीके से वैज्ञानिक है और तर्क संगत है। तो आज सबको बधाई, और ये आती रहेंगी बाहरे, और जाना नहीं चाहिए बाहरे, बाहरे बनी रहना चाहिए। नंदिनी जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किस तरीके से शुरू किया ये आपने फाउंडेशन? थैंक यू सो मच, आपकी शुक्राएं मेरे लिए बहुत जरूरी है, और समाज और परिवार और घर के लिए भी बेहद जरूरी है, क्योंकि शुभ से धन हमारा विकास होता है, और मन का विकास और तन का विकास परिवार होता है। जहां बदल रहे हैं जमाने, जमाने के साथ रिश्ते बदल रहे हैं, परिवार बदल रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, जज्बात बदल रहे हैं, और कहीं ना कहीं हालात बदल रहे हैं, तो इसकी जरूरत पान पड़ी। कोरोना काल ने मुझे महसूस करा दिया कि परिवार हमारा अस्तित्व है और समाज हमारा व्यक्तित्व। व्यक्तित्व बनाने के लिए व्यक्ति अपना अस्तित्व खो रहा है, ये हर घर की समस्या है, घर घर की समस्या है। निदान का एक नाम, झन भूलो माँ बाप लाए, पारिवारिक संस्था माँ नंदिनी फाउंडेशन। बहुत अच्छा, कब से आप कर रहे हैं माँ नंदिनी, से पहले था? हाँ, मैं एक साधारण सी महिला हूँ, एक माँ हूँ, मेरा पूरा परिवार है, संसार है, पर एक माँ में जब विपदा आती है और कभी उसके संतान में कभी कोई कष्ट आता है, तो सबसे दुनिया में विकराल रूप अगर माँ लेती है तो सिर्फ माँ ही बन के रहती है। और माँ नंदिनी का एक ऐसी कहानी है, सारे लोग शायद परिचित नहीं है, पर मेरा इतिहास, मेरा जन्म और मेरा कहानी हर महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बनेगा। और निश्चित तौर पर कहते हैं कि कमल खिलना इतना आसान नहीं है, कई बार कीचड़ों से मसलना पड़ता है, जूझना पड़ता है, तड़पना पड़ता है, तब कभी जाके कीचड़ से कमल खिलता है। और कहीं व्यक्तित्व का विकास भी कहीं न कहीं मन के मंथन के साथ, संघर्ष के साथ ही होता है, और हर महिला में मात्र शक्ति है। मैं उस शक्तियों को प्रणाम करती हूँ, इसलिए यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। बहुत अच्छी बात है, सबका शुभकामना। मैं एक बार नाम ले लेता हूँ, क्या नाम है आपका? साक्षी बजाज जी। रेखा मूर्ति। सुनीता सिद्धार्थ सोनी। मैं डॉक्टर वंदना ठाकुर, इस क्लब की अध्यक्ष हूँ। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। झन भूलो माँ बापला यह एक पारिवारिक संस्था है, इसमें स्वास्थ्य सेवा संस्कार का ये अद्भुत संगम है, और हम चाहते हैं कि हम अपने परिवार को, जो एकाकी होते जा रहा है, ज्वाइंट फैमिली हमारी बिखरती जा रही है, वो अब ना बिखरे, और कभी वृद्धाश्रम अब ना खुले। हम इतने अपने माँ बाप का ध्यान रखें, जिस तरह से छुटपन में छोटे थे तो वो हमारा ध्यान रखते थे, वैसे हम चाहते हैं कि अब परिवार ना बिखरे, हम अपने माँ बाप को अपने बच्चों की तरह उनका ख्याल रखें, यही इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। क्या नाम है आपका? मैं ममता काकड़ हूँ जी। जी, मैं रुक्मणी राजू रामते के। बहुत अच्छा गाना गाया था आपने। श्रीमती अनामिका पांडे है। श्रीमती लीला दास। बहुत अच्छी बात है, आप सबको शुभकामनाएं। तो इसी तरीके से जुड़े रहे, वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम एक कर दें, बहुत सारी बातचीत होती है, तो बहुत अच्छा होगा। आप सब लोगों ने मुझे सुना और समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समाज में सकारात्मक विचार बने रहना चाहिए, और अच्छी सोच से ही निश्चित रूप से समाज संगठित होता है, आनंद आता है। आपके आनंद में मैं बहुत ज़्यादा विघ्न नहीं डालता हूँ, क्योंकि संगीत और नृत्य का एक अच्छा यहाँ पे प्लेटफॉर्म चल रहा था। मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर अंटू भैया भी है, उनका धन्यवाद। बहुत सारे लोग हैं, घनश्याम भैया है, जगदीश भैया है, नवाब भाई है, सजादा भाई है, भरत भाई है, मेरे पड़ोसी है सब लोग। तो ये निर्मल भाई भी आए हुए हैं अलका रेस्टोरेंट वाले, जैन समाज से, और भी है, मैं सबका, अधिकतर लोगों को तो मैं जानता हूँ, कैलाश भाई भी है, तो सबका धन्यवाद। बोलिए भगवान गणेश की।